उमेश पाल हत्याकांड में एक और आरोपित सदाकत खान को सोमवार शाम एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। ये भागने की फिराक में था जिसे एसटीएफ ने पकड़ लिया। इस हत्याकांड की पूरी साजिश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हाउस हॉस्टल में रची गई थी। जो कॉन्स्पिरेसी में एक व्यक्ति सम्मिलित हैं, सदाकत खान, सन ऑफ शमशाद खान, 12 थाना गहमर जनपद गाजीपुर के, इनकी करीब 27 साल के आसपास उम्र है और इनकी पूछताछ की जा रही थी। इनिशियली इन्हें अरेस्ट किया गया और मतलब इनको पूछताछ हेतु लाया गया और इनको एसटीएफ के द्वारा लाया गया था, फिर इनसे पूछताछ हुई। इनका रोल ये है कि इनका जो मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग से जो कॉल आया है और उस कॉल के बारे में इन्होंने कुछ डिटेल्स डाइवर्ज किए हैं। इनकी जो पूछताछ के दौरान इन्होंने सूचनाएं दी हैं, इसके संबंध में पुलिस की टीम के द्वारा इनके रूम की तलाशी ली गई और रूम की तलाशी में कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। उसकी बरामदगी के बाद ये जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के ये गिरे हैं। डिवाइडर से टकरा के गिरने में इनको चोट आई है और इनको चोट आने के बाद इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। आज मारे गए बदमाश अरबाज पर 50,000 का इनाम भी था। उप जानकारी पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने शाम को पत्रकारों को देते हुए बताया कि आरोपितों की तलाश में 10 टीमें लगाई गई थी, जिसमें 50,000 का इनामी अरबाज पुत्र अफाक, जो ड्राइवर था, देर हो गया। हत्यारों को कार से अरबाज ही लेकर आया था। अरबाज के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की गई है। कमिश्नर ने आगे बताया कि हत्याकांड में शामिल सदाकत खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। सदाकत गाजीपुर का रहने वाला है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रहता था। उन्होंने बताया कि उक्त छात्रावास में ही हत्या की साजिश रची गई थी। सदाकत ने शूटरों को सुविधाएं उपलब्ध कराए। उन्होंने आगे बताया कि सदाकत भागने की फिराक में था। इनका रोल ये है कि इनका जो मुस्लिम हॉस्टल के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर साजिश की बात इनके द्वारा बताई गई है और जो उसमें कुछ लोग जो सम्मिलित हैं उनके नाम इन्होंने बताए हैं। उसमें व्हाट्सएप कॉलिंग से जो कॉल आया है और उस कॉल के बारे में इन्होंने कुछ डिटेल्स डाइवर्ज किए हैं। इनकी जो पूछताछ के दौरान इन्होंने सूचनाएं दी हैं, इसके संबंध में पुलिस की टीम के द्वारा इनके रूम की तलाशी ली गई और रूम की तलाशी में कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। उसकी बरामदगी के बाद ये जब वापस आ रहे थे तो इन्होंने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में ये डिवाइडर से टकराए और डिवाइडर से टकरा के ये गिरे हैं। डिवाइडर से टकरा के गिरने में इनको चोट आई है और इनको चोट आने के बाद इनको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। हाँ, इनको चोट लगी है इनको, क्योंकि एक संग ये निकलने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ थोड़ा कुछ भीड़ आ गई। ये भागने का लाभ उठा के फायदा उठा के भागने के प्रयास में डिवाइडर से टकरा के गिरे हैं। गिरने से इनको चोट आई है, उपचार के लिए अभी इनको हॉस्पिटल ले जाए। विश्वविद्यालय के छात्र हैं क्या? ये छात्र हैं। अभी मैं इसके और डिटेल्स दूंगा क्योंकि मैंने हॉस्टल कैसे बना था इसको। ये वहाँ पे, हाँ, ये उसके LLB के छात्र अभी बताया है इन्होंने, हम तस्दीक कर रहे हैं और इनके द्वारा नई छात्र हैं द्वारा बताया, अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि ये दी हुई इन्फॉर्मेशन है।